हम अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हैं इससे कि भाई सबसे बड़ी चीज तो कार्यकर्ता में जोश और जज्बा लगाता है, चेहरे पर खुशी है। तो ये तो मुझसे पहले भी इंटरव्यू में लोगों ने पूछा था कि आपको जीत के प्रति क्या है, तो मैंने कहा तुम्हें मेरा चेहरा देख के नहीं मालूम पड़ता मैं जीतूंगा ना जीतूंगा। अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि ये कई बार उन्होंने कहा रुक जाओ हमारी सरकार हम तुम्हें घेर घेर के मारेंगे, जनता ने कहा ये अभी तो कुछ है नहीं तो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं आगे ये क्या हाल करेंगे। लेकिन अब देखना ये भी गुंडा अब दिखेगा नहीं, अच्छा सोचो अच्छा होगा आज नहीं तो कल होगा। मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा क्योंकि जनता के अंदर जो भाव था उन्होंने वो प्यार और मोहब्बत दिया मुझे। पहले से लगभग 14-15 हजार वोट मुझे ज्यादा मिला है तो मैं अपनी इस बधाई की जनता का हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कहता हूँ कोई भी त्याग तपस्या बेकार नहीं जाती। मैंने जिस प्रकार से ईमानदारी सच्चाई से और 1 से 15 बधाई विधानसभा को मैंने मां मान के सेवा की, वास्तव में जनता ने मुझे अपना भरोसा दिया है और मुझे जो मुझ पर भरोसा दिया और मुझे जिम्मेदारी दी है मैं फिर 1 से 15 बधाई विधानसभा से आज से ही फिर अपनी मां मान के सेवा करूंगा। जो भी मैं अच्छा कर सकता हूं मैं उसको लेकर एक नारा दिया था बीजेपी ने 300 पार, लेकिन बीजेपी 300 से थोड़ा सा पीछे है। और एक ऐसे ही आपने नारा दिया कि सबसे बड़ी जीत, लेकिन वो जीत में थोड़ी सी कसक है, क्या कहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हैं इससे कि भाई सबसे बड़ी जीत तो कार्यकर्ता में जोश और जज्बा लगा था। अब आप बताइए मेरे मुकाबले जो प्रत्याशी था वो बहुत पैसे वाले थे और मुझे कार्यकर्ता पैसे दे रहे थे, वो पैसे तो समझो क्या हो रहा था। तो मैं कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरे जोश और जज्बा के साथ पहले से 15 हजार वोटों से और मुझे बढ़ के दिया है, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनको नमन करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। उन्होंने इतनी त्याग तपस्या और सच्चाई से मुझे लड़ाया और मेरा पैसा भी खर्च नहीं होने दिया। सपा ने कैंडिडेट कर दिया, बिल्कुल लास्ट में कैंडिडेट आया, कहा गया आपको बड़ा आसान जीत का मौका मिल रहा है। अरे जो पार्टी का वोट जो पार्टी का उनका वोट था वो उसे गया, प्रत्याशी कोई भी हो पार्टी का जो वोट होता है वो उसे चला जाता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से उससे काम किया। सरकार आपकी आ गई, आप फिर से मंत्री शायद बनेंगे या फिर उम्मीद है कि बनना चाहिए, आप क्या पहली ऐसे आपके कुछ काम होंगे जो आप लोग भी करेंगे? बधाई में बहुत कुछ अभी लगता है कि होना बात जी जी मैंने कहा पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ मैं अपने बुद्धिजीवियों के साथ बैठूंगा और मैं कह सकता हूँ अपने 1 से 15 बधाई विधानसभा में क्या अच्छा कर सकता हूँ वो मैं अच्छा जरूर करूँगा। क्या लगता है कि क्या क्या अभी होना बाकी है, क्योंकि शहर में भी आप रहे नगर विकास, ऐसे तो बहुत सी बात है। लेकिन मैंने जब एक पहले क्योंकि आपने पहले इंटरव्यू से पहले ही मुझसे पूछा तब भी मैंने यही बात कही थी तो आज भी मैं यही बात कहूँगा। और जैसे कहते अभी मुझसे कहा था कि आपके चेहरे बड़ा खुशी है, तो ये तो मुझसे पहले भी इंटरव्यू में लोगों ने पूछा था कि आपको जीत के प्रति क्या है, तो मैंने कहा तुम्हें मेरा चेहरा देख के नहीं मालूम पड़ता मैं जीतूंगा ना जीतूंगा। आप प्रतिज्ञा बहुत लेते हैं, आपने प्रतिज्ञा ली हमेशा पूरी है, पूरी प्रतिज्ञा लीजिए आज जो आप अपनी जनता के लिए करेंगे, 3 प्रतिज्ञा लीजिए अभी आपके। मेरी प्रतिज्ञा यही है कि मैं ये प्रयास करूंगा अपने उत्तर प्रदेश में 1 से 15 बधाई विधानसभा बहुत अच्छे रूप से चमकाऊं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। 1-2-3 कोई ऐसे काम जिन कामों को हम 5 साल बाद आपसे कहें कि आपने किया, देखिए मैंने बताई ना जो बात है मैंने एक जब एक बात पहले बोल दी मैं अपने बुद्धिजीवियों के साथ बैठूंगा जो भी वो बताएंगे जो भी एक उसमें से योजना निकलेगी मैं वो अच्छा करूंगा। अच्छा प्रदेश की जनता ने किन चीजों पे आपको लगता है कि आप बहुत जगह चुनाव के बाद भी चुनाव लड़ा देंगे, किन मुद्दों पे लोगों ने बीजेपी को फिर से इतना देखिए इसलिए दिया बीजेपी के लिए इसलिए समर्थन किया, पहले गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं थी, लड़ोरियों पर से बैल और बद्दा खुल जाती थी, इस प्रकार से गुंडागर्दी थी, लोग रात को सोते थे उनको सुबह को अपने डर लगता था कोई हमारे प्रांत में कब्जा ना कर ले, इस तरह का जब भाव था वहाँ पर आज जनता ने अपने सुरक्षित इसलिए उन्होंने दोबारा सरकार दोबारा सरकार आप कह रही जनता ने किन चीजों को आप किस तरीके से सोचते हैं कि दूसरी पार्टियों ने जो एकदम बीच में आरोप लगाने शुरू कर दिए, आपने बीच में कहा कि योगी जी के लिए कुछ कहा, मुलायम सिंह जी को भी चुनाव में आना पड़ा, लेकिन अब यही कि वो 150 रुपये भी नहीं पहुंचे, तो वो समझे जनता भी इनकी भाषा समझ, देखिए आप अच्छी और भली और सभ्य भाषा बोलोगे तो जनता उसका असर पड़ेगा, इनकी अभद्र भाषा नहीं गुंडागर्दी नहीं, देखा ना कल परसों कितना पूरा गुंडागर्दी की चरम सीमाएं कर दी, पूरा इलाका रात भर लोगों को परेशान किया, बताइए अधिकारियों गाड़ी चेक कर रहे थे पूरी EVM कहीं निकली ना निकली, इन्होंने किस प्रकार से काम किया बताइए, ये लोग समझ गए कि ये अभी तो कुछ नहीं है क्योंकि ये कई बार उन्होंने कहा
रुक जाओ हमारी सरकार हम तुम्हें घेर घेर के मारेंगे। तो जनता ने कहा ये अभी तो कुछ है नहीं तो इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, आगे ये क्या हाल करेंगे। लेकिन अब देखना एक भी गुंडा अब दिखेगा नहीं, जो कल सड़क भरी हुई घूम रही थी, परसों सड़क भरी घूम रही थी, अब कोई गुंडा दिखेगा एक भी गुंडा नहीं दिखेगा। मेरा नारा है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा।